आप मेरा स्टूडियो देखना चाहते हो? ये देखो मेरा स्टूडियो, ये पीछे दीवार है, ये मेरे बेटे ने रंगी हुई है, ये उसका बेड है, ये उसके टॉयस हैं, और यहाँ बैठ के मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ। बाय बाय। हेलो रनर्स, वेलकम टू टेक्निकल मसल। मैं हूँ आपका दोस्त अमर जी। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर अपनी ओपिनियन शेयर करूँगा वो है 10% रूल। वैसे तो सबको पता ही होगा जो हमारे ये रिक्रिएशनल रनर्स हैं, बट जिनको नहीं पता उनकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। 10% रूल का मतलब है कि आपने अपनी वीकली माइलेज 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, 10% ही बढ़ानी है। अगर हम स्टार्टिंग रनिंग की है तो एक बंदा नॉर्मल कितनी करेगा डेली की, 5 किलोमीटर, तो 35 किलोमीटर अगर हम एक हफ्ते में कर रहे हैं तो उसका 10% होता है 3.5 किलोमीटर। तो उसके अगले हफ्ते हमने वीकली माइलेज 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, यानी कि 35 और 3.5 किलोमीटर, तो 38.5 किलोमीटर बनता है। तो बेसिकली ये फंडा होता है। तो एक और एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। अगर आपकी वीकली माइलेज 100 किलोमीटर है और आप उसको बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपने उसके अगले हफ्ते 110 किलोमीटर करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। तो दिस इज 10% थंब रूल। अब ऐसा रूल क्यों है और क्या ये रूल सही है या इसके पीछे किसी तरह का कोई मिथ है, तो हम उस पर आज डिस्कस करेंगे। उस पर मैं अपनी ओपिनियन शेयर करूँगा कि मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या लगता है। हम सब एग्री करते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंजरीज होती है रनर्स को, वो होती है ओवर रनिंग की वजह से, ओवर वर्कआउट की वजह से। ओवर रनिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम एकदम से अपनी माइलेज बढ़ाना चाहते हैं। हमें लगता है कि यार सामने वाला बंदा अगर डेली के 21 किलोमीटर कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, चाहे हमने उससे पहले हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा 21 ना भागा हो, तो हम भी उसके पीछे लग के 21 किलोमीटर करने की कोशिश करते हैं। ये 10% रूल इसलिए बना है कि भाई तुम अपनी बॉडी की सुनो। मैं पर्सनली 10% रूल फॉलो नहीं करता हूँ, मगर आई लिसन टू माई बॉडी। मेरी बॉडी अगर मुझे किसी तरह की कोई इंडिकेशन दे रही है तो आई लिसन टू इट एंड आई स्टॉप रनिंग एंड आई फोकस मोर ऑन स्ट्रेचिंग। 10% रूल फॉलो करो या ना करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर आप अपनी बॉडी के हिसाब से एकदम से माइलेज इंक्रीज मत करो। ये जो यार 100 डेज ऑफ रनिंग है, इस तरह के कितने वर्चुअल इवेंट आते हैं, इतने दिन भागो और बंदा सारा साल भागा नहीं है और एकदम से इन वर्चुअल इवेंट में पार्टिसिपेट करके डेली के 10-10, 15-15 किलोमीटर करने लगा हुआ है, तो दोस्तों उसका आपकी बॉडी पे अच्छा असर नहीं होगा, उसका आपकी बॉडी पे बुरा असर ही होगा। और एक मेरी सबसे और रिक्वेस्ट है कि जो आप ये 10 की पेस पे, 11 की पेस पे 200-300 किलोमीटर कर रहे हो पूरे महीने में, और फिर आप कह रहे हो कि आपने इतनी रनिंग की है, तो माय फ्रेंड दैट इज़ नॉट रनिंग, दैट इज़ वॉकिंग। एक बात को समझो, आप आपने रनिंग नहीं की है, आपने वॉकिंग की है। 11-12 की पेस पे वॉकिंग होती है, रनिंग नहीं होती है। रनिंग का फंडा होता है कि आपका एयर टाइम कितना है। अगर आप एयर में नहीं हो तो आप वॉक कर रहे हो, वॉकिंग में आपका पिछला कदम जब तक उठता है उससे पहले अगला कदम ज़मीन पे होता है, मगर रनिंग में ऐसा नहीं होता है। जब आपका अगला कदम ज़मीन पे पड़ने लगता है उससे पहले ही पिछला कदम आपका हवा में आया था, तो देर इज़ सम एयर टाइम, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन रनिंग एंड वॉकिंग, तो ये बात समझने की ज़रूरत है। तो छोड़ो, इस टॉपिक पे कभी और वीडियो बनाएंगे, मैं किसी और ही तरफ चला गया था। तो बेसिकली दोस्तों देखो, 10% रूल मेरा अपना ओपिनियन है, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ 10% रूल। मैं अपनी माइलेज 10% से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के करता हूँ अगर मैं माइलेज बढ़ा रहा हूँ तो, मगर मैं अपनी बॉडी के हिसाब से उस चीज़ को करता हूँ। आई लिसन टू माई बॉडी, मैं किसी को देख के नहीं करता। अगर कोई बंदा कह रहा है कि उसको 21 किलोमीटर करने हैं, उसको 25 करने हैं, 30 करने हैं, बट मुझे लगता है कि मुझे नहीं करने हैं और मुझे 20 ही करने हैं, 15 करने हैं, तो मैं उतना ही करता हूँ। और आई जस्ट फॉलो अ प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान अगर मुझे अपना माइलेज बढ़ाना है तो, और उसमें रेस्ट डेज होते हैं। मैं कभी भी आज तक जब से मैंने रनिंग शुरू किया, 7 के 7 दिन बैक टू बैक कभी रनिंग नहीं किया। जैसे आप धीरे धीरे अपनी माइलेज बढ़ाओगे तो क्या होता है, आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी होती है,
जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन हो जाते हो। तो धीरे 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 जैसे जैसे आप अपनी माइलेज बढ़ाओगे अपनी बॉडी के हिसाब से, तो आपकी बॉडी के स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे कैपेसिटी इंक्रीज होगी आपकी माइलेज खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैंने अपनी ओपिनियन शेयर की। अगर आप की कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो नीचे कमेंट करके मेरे को बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। नीचे लाइक का बटन है ऐसे करके, उसको आप क्लिक करना। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।